देख रहे हैं SKK न्यूज। SKK न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। बेगूसराय जिले के जिला स्वर्णकार संघ ने पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में CRPF के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि हेतु शुक्रवार की देर शाम कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल लोग मुंगेरीगंज के कर्पूरी स्थान चौक से होते हुए शहीद स्थल पर पहुंचे, जहां सभी लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद आदि के नारे भी लगाए। युवाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा इस कायराना हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के शहीद जवानों के परिवार के लिए हर संभव मदद के लिए हम सभी तैयार हैं। कैंडल मार्च में कई लोग शामिल हुए। 2019 को जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकियों ने कायराना हरकत की है, हमारे वीर जवान को जो उन्होंने बम से उड़ा दिए हैं, जो वीर जवान 40 जन जो है वो शहीद हुए हैं, उसी के आक्रोश में हम जिला स्वर्णकार संघ बेगूसराय के सभी सदस्यगण ये कैंडल मार्च जो है ये निकाले हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब हमें जो है हर जवान के एक एक मौत का बदला चाहिए। हम माननीय नरेंद्र मोदी से, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम ये मांग कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जो आतंकवाद के खिलाफ एक सीधा एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ आपने? ये हम लोग जो है मुंगेरीगंज जिला स्वर्णकार संघ के कार्यालय से लेकर के और यहाँ कपूर स्थान चौक होते हुए और हीरालाल